खास एसएसपी हेमराज मीणा द्वारा जिले भर में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में आज साइबर यूनिट को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया ने बताया है कि साइबर यूनिट को शिकायत मिल रही थी कि कुछ लोगों के साथ ऑनलाइन ठगी का काम कर रहे हैं। इंस्पेक्टर सिविल लाइन द्वारा मोबाइल से मिली लोकेशन ट्रेस करते हुए जब टीम मौके पर पहुंची तो देखा कि साइबर अपराधी जो ईंट के भट्ठे पर काम करता था वह और उसका साथी लोगों से ऑनलाइन ठगी करते हैं। इसके साथ ही साथ दोनों को पाकबाड़ा के इलाके में मौजूद अपने घर को छोड़कर जंगलों में रात गुजारा करते थे। फिलहाल पुलिस अब मामले को लेकर के तफ्तीश कर रही है। ये आज थाना सिविल लाइंस और हमारी जो साइबर सेल की जो टीम है उनको एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल हुई है। इन्होंने दो अभियुक्त इनकी गिरफ्तारी की है। ये लोग धोखाधड़ी से एक फ़ोन कॉल के माध्यम से लोगों से ठगी किया करते थे। इसमें जो अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं इस हनीफ पुत्र हामिद महलकपुर पाकवाड़ा और नाजिम पुत्र भूरा दोनों ही महलकपुर ग्राम थाना पाकवाड़ा के रहने वाले हैं। इनसे पूछताछ की गई तो इनके द्वारा बताया गया कि ये किसी माध्यम से जो स्वयं सहायता समूह जो होते हैं जो लोगों को लोन लेते हैं और लोग अपनी बाद में किस्त जमा करते हैं तो इस तरह के लोग जो जिन्होंने स्वयं सहायता समूह से लोन ले रखा होता था उनकी जानकारी ये लोग जुटा लिया करते थे। फिर उनको ये कॉल करते थे कि तुम्हारी जो किस्त है वो ऑनलाइन जमा होगी और वो उनको किसी प्रकार से एक फर्जी तरीके से QR कोड भेज के ये उनसे पैसा जमा कराते थे और उनका पैसा निकाल लेते थे। इस तरह इन्होंने कई जनपदों में इस तरह की ठगी इनके द्वारा पूर्व में की गई थी। इस तरह की कंप्लेंट का पता किया गया है अलीगढ़ मुजफ्फरनगर संभल बागपत जनपदों में भी इनके द्वारा इस प्रकार काम किया गया है। ये इस प्रकार अभी हम लोग और भी जानकारी कर रहे हैं कि इनके ग्रुप में और कौन कौन लोग शामिल थे। जैसा पता लगा है कि ये कुछ जनसेवा केंद्रों का भी इस्तेमाल इस पैसे निकालने के लिए किया करते थे। अभी उसकी भी जानकारी जुटाई जा रही है। तो इस प्रकार ये एक महत्वपूर्ण सफलता थाना सिविल लाइंस और साइबर सेल की। सर, ठगी से कितनी इनकम कर चुके? अभी निरंतर इसके बारे में अभी हम लोग एसेस कर रहे हैं क्योंकि कई जनपदों से अभी पता लगा है कि वहाँ भी इस तरह की कंप्लेंट है जिसमें इन लोगों ने ठगी की है। अभी हम लोग उसका एस्टिमेट कर रहे हैं। सर, ये कितने पढ़े लिखे हैं? ये सामान्य बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, सामान्य बैकग्राउंड के ही हैं लेकिन इस तरह की ठगी में ये लोग संलिप्त हैं। मुरादाबाद से रिहान अंसारी की रिपोर्ट।